मध्य प्रदेश के रीवा की ओर ले चलते, जहां पर डिपो मैनेजर के निजी गोदाम में क्राइम ब्रांच का छापा, 100 बंडल सरकारी किताबें जब्त की गई, जांच जारी। एसपी आबिद खान के निर्देश पर सीबीआई क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, कई सरकारी किताबों को किया गया जब्त, पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। मैनेजर कहने पे आपने कौन कौन सी क्लास की किताबें भिजवाई? पहली की, दूसरी की हिंदी, चौथी की हिंदी और पांचवी की इंग्लिश, छठवीं की संस्कृत और आठवीं की हिंदी और चौथी की इंग्लिश और छठवीं की सहायक वाचन और पांचवी की इंग्लिश। कुल कितने बंडल हुए? 62 बंडल। किसके कहने पे भिजवाई? नारायण मिश्रा के कहने। पुलिस अधीक्षक रीवा श्री आबिद खान जी को आज सुबह सूचित किया गया कि पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें जो निःशुल्क वितरित की जाती हैं छात्रों को, उनमें कुछ अफरा तफरी हो रही है और उनको सच्चा नगर में भेजा जा रहा है किसी पिकअप वाहन द्वारा। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से हमारे क्राइम DSP श्री राजीव पाठक साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि सच्चा नगर मोहल्ले में श्रीमती ममता पांडे का एक मकान है और उस मकान को ऐसा बताया गया है कि श्री नरेंद्र मिश्रा जो यहाँ के बुक डिपो के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा एक कमरा 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से 15 जनवरी से किराए में लिया गया है। 16 जनवरी को उनके द्वारा 50 बंडल पुस्तकों के वहाँ भिजवाए गए थे। आज भी उनके द्वारा ऐसा जो उनके चालक ने बताया, पिकअप के चालक ने बताया, आज भी 44 बंडल वहाँ भिजवाए गए हैं और जब बंडल पिकअप से उतार कर उस मकान में रखे जा रहे थे तभी क्राइम ब्रांच की टीम हमारी पहुँच गई और वो किताबों की जब्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। ये पुस्तकें जो हैं, जो शासन की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को निःशुल्क पुस्तक दी जाती है, उस योजना संबंधित पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में बाकायदा सील भी लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ भी है कि ये बिक्री के लिए नहीं है। ऐसा अनुमान है प्रथम दृष्टया कि एक बंडल में जो किताबें होती हैं उसकी कीमत लगभग 5000 रुपये होती है और अभी तक जो बताया गया है कि 94 बंडल जो हैं जब्त हो रहे हैं और उनकी कीमत लगभग 4,80,000 रुपये है। क्या कार्रवाई की जाए सर आगे इस गोदाम के खिलाफ? ये तो निश्चित रूप से अभी प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि सरकारी किताबें जो निःशुल्क वितरित की जानी चाहिए छात्रों को उनका गबन किया गया है और इस संबंध में धारा 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। सर सुबह तक तो मैनेजर यहाँ थे, आप बता रहे कि मैनेजर गायब हो गए? मैनेजर साथ संपर्क किया गया है, उन्होंने बताया है कि हम पन्ना डिपो के इंचार्ज भी हैं और हम पन्ना आए हुए हैं, उन्हें बुलाया गया है और अगर वो आते हैं तो इसके संबंध में सफाई देंगे। सर अभी गोदाम भी सील कर रहे हैं क्या? ये गोदाम बहुत बड़ा है, गोदाम में बताया गया है कि लगभग 35 लाख किताबें रखी हुई हैं। इसको जांच करने के लिए पर्याप्त व्यक्ति भी चाहिए, पर्याप्त समय भी चाहिए, इसलिए भी हम गोदाम को सील करा रहे हैं। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाई जाएगी, उस टीम द्वारा बारीकी से जाँच की जाएगी कि वास्तव में कितनी किताबों की अफरा तफरी हुई है। मुझे ये मुझे बहुत बड़ा घोटाला दिखाई पड़ रहा है और जो किताबें मिली हुई हैं उसमें कुछ किताबें पिछले साल की भी हैं, हो सकता है कि उनको रिकॉर्ड में बता दिया गया है कि हो कि नहीं वितरित किया जा चुका है। कुछ किताबें जो वितरित की जाना है भी छात्रों को 2021 की, वो किताबें भी मिली हैं, तो मुझे घोटाला काफ़ी बड़ा मालूम पड़ता है। स्टॉक रजिस्टर क्या मिल गया आपको? अभी स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला है, स्टॉक रजिस्टर कार्यालय में है, जो कार्यालय बताया गया है कहीं चूना भट्टा के पास में है, तो स्टॉक रजिस्टर भी अभी हम अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके बाद जो है स्टॉक रजिस्टर से पूरे गोदाम में जो किताबें रखी उनका मिलान किया जाएगा। मिलान करने के बाद हमें जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे कि घोटाला कितने का है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं।